अमित जी, मैं सुभाष जी का आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा. एक्चुअली यहाँ अगर हम लोग वॉक अबाउट करके आप हमें दिखा सके हैं जो कंपोस्टिंग और सब आप कर रहे हैं. आपको बताना पड़ेगा पहले आपने को. ये सर कूपर हॉस्पिटल हमारा है और ये मेडिकल कॉलेज है, एचबीटी मेडिकल कॉलेज है, हिंदू सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का नाम से कॉलेज है. यहाँ जो खाना बनता है वो खाना बनाने के लिए जो वेजिटेबल जो जितना भी आता है, वेट वेज जितना भी आता है, वो पूरा एक डेढ़ सौ के जी के आसपास डेली का वेस्ट आता है. ये सब वेस्ट है, हम इस गड्ढा किया हुआ है, इस गड्ढे में हम लोग डालते हैं. ये 5 फुट का गड्ढा है, उसमें गोबर और काउडों के साथ में यूरिन, काउ यूरिन गोमूत्र हम लोग मिक्स करके करते हैं. इसको थोड़ा डिकम्पोज होने के बाद में हम लोगों ने एक स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम डेवलप किया है. वर्मी कम्पोस्ट तो कॉमन हो गया, लेकिन वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम इज अलग है, जिसमें कम्पोस्ट और अर्थ ऑटोमेटिक सेग्रीगेट हो जाते हैं. मैन पावर नहीं लगता, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऑटोमेटिक होते हैं. तो ये सिस्टम हम लोगों ने क्या किया है वो हम लोग एक बार फिर से समझाइएगा. ये या ये जितना भी जितना वेस्ट होता है आप इसमें डाल देते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम लोग इस गड्ढे में डाल देते हैं. इस गड्ढे में एक 8-10 दिन तक का पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा, इतना उसका स्टोरेज कैपेसिटी है. ये मिक्स करते समय हम लोग काउ डंग और काउ यूरिन बोलेगा तो गोमूत्र हम लोग मिक्स करते हैं और वो प्रोसेस करने के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद में 8-10 दिन के बाद में गड्ढा भरने के बाद में पूरा वो निकालते हैं, ताकि वो अर्थवर्म को खाने जैसा हो जाता है, डिकम्पोज थोड़ा सा जो चाहिए उनको वैसा. उसके बाद ये उठा के हम लोग अपना जो कंपोस्ट, पर इसके लिए सेग्रीगेशन की जरूरत होगी. इसमें सूखा कचरा, गीला कचरा एट सोर्स हम लोगों ने अलग करने का चालू किया हुआ है. और जो गीला कचरा जो है, जैसे नेचुरल वेस्ट है जिसका कंपोस्ट बन सकता है, यही इतना कचरा इधर आएगा. सूखा कचरे में जो कांच पतरा लोकन प्लास्टिक जो मैनमेड जो है जिसका कंपोस्ट नहीं बनता है, वो हम लोग इसमें नहीं लेते हैं. इसमें अगर गलती से भी अगर आता है तो उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है, माइनर आधा एक टक्का अगर कुछ आ गया तो उसके हिसाब से करना पड़ता है. इसके बाद में सर ये पूरा उठा के हम लोग ये इस ये जो पीट्स है हमारे, ये 2 पीट्स या 3 पीट्स का कंसेप्ट. ये जो है ये कहाँ से आता है? ये वहाँ से यहाँ आया हुआ है. यहाँ सर 1% मिट्टी कुछ नहीं डाला हुआ है, ये सब ग्रीन वेस्ट जो है, ग्रीन वेस्ट का बना हुआ ही है. इसका स्पेशलिटी जो है, इसका जो पार्टीशन वॉल है, ये पार्टीशन वॉल में नीचे 1 फुट का जो ग्रीन लेयर है उसमें परमानेंट वर्मी बेड रखा हुआ है, ताकि यहाँ के हुआ? वर्मी बेड है जो अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म को वो पूरा एक एक फुट का कल्चर से आप इसे वर्मी कल्चर से करते हैं. मतलब अर्थवर्म से नीचे, अर्थवर्म नीचे डाले हुए. ये अर्थवर्म जो है यहाँ क्या करते हैं, उनको पूरा घूमने को ये मोमेंट मिलता है. ये कुछ चल रहे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नेचर अर्थवर्म नहीं है. नहीं सर, इसमें मिलेंगे सर, इसके नीचे डाला हुआ है. ठीक है, ठीक है. अर्थवर्म डालने की जरूरत नहीं, ऊपर से अर्थवर्म डालने की जरूरत नहीं, एक बार डाल दिए. ये कह रहे हैं ना कि 1 फुट, ये इतना जो ग्रीन बेल्ट है ये 1 फुट के नीचे. और सर सी दैट टू द कैमरा, ये जो है ना, ये इतना, इतने में अर्थवर्म भर देते हैं और फिर ये कंपोस्ट बन जाता है. दूसरा इसमें कैसा है, इसके 2 इंच ऊपर हम लोगों ने इसका आउटलेट रखा हुआ है, ताकि जितना भी 2 इंच तक पानी अंदर जमा रहता है वो निकल जाता है, और उसका पानी जो है ना फिल्टर होकर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्मी वॉश. तो इसके अर्थवर्म जो है ना टोटल अंदर घूम सकते हैं, तो हेल्दी रहते हैं, इनका हेल्थ है जिनको अच्छा मिलता है उसके. और ये कंपोस्ट जो अपने 1.5-2 महीने लगता है सब जगह पे अपने को, तो यहाँ 1 महीने में टोटल कंपोस्ट रेडी हो जाता है. दूसरा सर इसमें ऐसा है कि अर्थवर्म का बिहेवियर पैटर्न है, अर्थवर्म चलते समय धार से चलते हैं, तो ये धार से चलने की वजह से वो बाहर आने का चांस होता है. तो यहाँ उनको अंदर से होल दिया जाता है, ताकि वो धार से चलते चलते कुछ भी इमरजेंसी हुआ, कुछ हुआ, तो यहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में. तीसरा सर इसमें अंदर कचरा डालने के बाद में अलग अलग कचरे के हिसाब से उसका कैलोरी को वैल्यू ज़्यादा आता है, जो हीट ज़्यादा पैदा होता है कभी कभी होता है. तो अर्थवर्म को जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री के आसपास जो चाहिए, तो इसके अंदर ग्रू किए हुए, वो ग्रू में पूरे अर्थवर्म घूमते रहते हैं, गैस जो भी हीट या जो भी पैदा होता है वो बाहर आ जाता है, और इसके वजह से इसका अंदर एयर टेम्परेचर मॉइस्चर एकदम मेंटेन हो जाता है और हेल्दी इसका ही हो जाता है. इसके बाद में सर ये करने के बाद में आप देखेंगे कि ये आया हुआ है, दैट इज वर्मी वॉश. ये जो वर्मी वॉश है, ये अर्थवर्म, ये पानी एक्सेस जो होता है वो निकालने के लिए हम लोगों ने वो टैप सिस्टम दिया हुआ है. ये टैप सिस्टम से ये पूरा थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, ये फिल्टर प्योर वाटर आएगा. ये अच्छा इंद्रिज न्यूट्रिशंस है और पिस्टी नेचुरल पेस्टिसाइड है. ये जितना भी हमारे इधर आप अभी जो देख रहे हैं सर, ये सब पूरा प्लांट उसी के ऊपर डेवलप किया हुआ है. और इसका मेन कंसेप्ट है हील द नेचर. नेचर ने सब कुछ हमें दिया है, हम नेचर को क्या दे सकते हैं, तो ये नेचर को देते हैं. यहाँ आप जितना भी बनाना वगैरह जितना भी देखेंगे वो सब पक गए,
वो एनवायरमेंट के छोड़ दिए। दूसरा सर ये मेन कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है सर कि ये सिस्टम में सेम जिनके पास जगह नहीं है, छोटा जगह है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, तो ये टू बिट्स का सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हैं जो अर्थवर्म के जो गेटवे जो है नीचे से दिया हुआ है, पूरा गेटवे दिया हुआ है, ये गेटवे से इधर उधर जाता है, ये अर्थवर्म फार्मिंग हो जाता है, वह अर्थवर्म कंपोस्टिंग बन जाता है। यह कंपोस्टिंग बनने के बाद में सर पानी बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी का लेवल स्तर नीचे हो जाता है। उसके बाद में खाना बंद कर देते हैं तो खाना नहीं है तो ऑटोमेटिक अर्थवर्म जो है जहाँ खाना है उधर जाते हैं। दूसरे इसके बाजू में ये रखे हुए प्लेट्स रखे हुए, दैट इज अ प्लांट, कोई भी आएगा तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार कुछ तो ये है क्या, ब्यूटीफाई मॉडल है इस तरह का, इसका ये किया हुआ है। इसके लिए हम लोगों का इसका स्मार्ट वर्मी कंपोस्ट सिस्टम जी, ये प्रोजेक्ट है, कंपोस्ट सिस्टम है और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये कहाँ रख सकते हैं? ये कहाँ भी छोटा सा जगह में, गैरेज में, टेरेस पे रखना है तो टेरेस के लिए भी हम लोगों ने ये दिया हुआ है। तो ये इंडिविजुअल सोसाइटीज के लिए है, बंगलोज के लिए है,